आज हम बनाने वाले हैं नेव बार विद फ्लेक्स बॉक्स। सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स होता है, उसके साथ आज हम नेव बार बनाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं एचटीएमएल का, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। अब बॉडी में सबसे पहले हम एक नेव टैग लेते हैं, जिसमें एक लोगो के लिए एक H1 ले लेते हैं, जिसमें हमारा लोगो होगा। इसके साथ हमारे पास यूएल होंगी, जो हमारे पास लिंक्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं डेमो के लिए कुछ लिंक्स ले लेता हूँ। होम, अभी इन्हीं को डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो कंट्रोल है सेव करके, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारे पास बेसिक आ गए। इसको अबाउट कर दें, पोर्टफोलियो कर दें, गैलरी कर दें, गैलरी, और लास्ट पे कॉन्टैक्ट कर दें। इसके बाद हम आ जाते हैं सीएसएस में। मैं इंटरनल सीएसएस यूज करूंगा। अब सबसे पहले हमें आल सिलेक्टर का यूज करना है, ताकि हम मार्जिन और पैडिंग को जीरो कर सकें। मार्जिन कर देता हूँ जीरो, और जो पैडिंग है उसको भी जीरो कर देता हूँ, और साथ में बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ, बॉर्डर बॉक्स, ताकि जब हम किसी भी डिव या किसी भी एलिमेंट के अंदर से स्पेस पैडिंग देना, तो वो इफेक्ट ना करे ओवरऑल साइज को। अब यहाँ पे नैब टैग ले लेता हूँ। अब फ्लेक्स बॉक्स में नैब के अंदर दो एलिमेंट है, एक H1 है और एक UL है, तो इन दोनों को अलाइन करने के लिए ना डिस्प्ले हमारे पास फ्लेक्स होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा, और अलाइन आइटम्स सेंटर कर लेता हूँ। इसके साथ मैं हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल्स, और इसके साथ मैं विड्थ दे देता हूँ विड्थ 100%। अब इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले विड्थ हाइट, फिर फ्लेक्स बॉक्स। अब इसके साथ मैं कलर कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, और जो बैकग्राउंड है ना वो है बैकग्राउंड ब्लैक ही कर देता हूँ। कंट्रोल है सेव करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, अब ये बिल्कुल यानी कि साथ हैं, तो इनके स्पेस देने के लिए मैं पैडिंग दे देता हूँ ऊपर नीचे से 0 पिक्सल्स, और साइडों से 5%। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो हल्की सी स्पेस है। अब इसकी मैं साथ ही ना फॉन्ट फैमिली भी ले लेता हूँ। अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर तो आप सिर्फ पॉपिंस लिखेंगे और वो इंप्लीमेंट हो जाएगा सिस्टम में, अगर इंस्टॉल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर आप फॉन्ट्स डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाते हैं ना, गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर सर्च बार है, यहाँ पे पॉपिंस लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, और राइट क्लिक करके पहले इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉपिंस हमने कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ना ये जो यूएल है ना, जितनी भी इसमें एल आई वो साइड बाय साइड आए। मैं कहता हूँ जो नेव टैग है ना हमारा, उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल आई है, उसकी सबसे पहले तो लिस्ट स्टाइल जो है ना नन कर दो। जो डॉट्स आते हैं ना साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट के, वो मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब ये डॉट जो वाइट कलर के हैं, इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा। इसके साथ है डिस्प्ले इनलाइन कर दे, और इसके साथ हम
कर सकते हैं मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट कर देते हैं 10 पिक्सल का। अब कंट्रोल है सेव करके, तो ये साइड बाय साइड आ गया। अब इसका कलर और जो नीचे एक मतलब लाइन आ रही है उसको ख़त्म करते हैं। मेरे एंकर टैग को अब सेलेक्ट करेंगे, इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे और इसके साथ साथ जो कलर है ना वाइट कर देंगे। अभी हमारा बेसिक सी नेबर रेडी हो गया। इसको और भी कस्टमाइज किया जा सकता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नीचे एक बॉर्डर लेके आऊँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए।